बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से ये बड़ी खबर है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। बिट्टू नाम के शख्स को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर मूसेवाला के घर की रेकी का आरोप है। गैंगस्टर संदीप केकड़ा का भाई है बिट्टू। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी की है। गैंगस्टर दीपक केकड़ा का भाई है बिट्टू, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बिट्टू पर मूसेवाला के घर की रेकी का आरोप है। इस मामले में लगातार कार्रवाई तेज हो रही है। धरपकड़ तमाम आरोपियों की हो रही है। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मंजीत, और क्या कुछ जानकारी बिट्टू के बारे में हाथ लगी है? बताया जा रहा है कि आरोप है इस पर सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी करने का। देखिए मल्लिका, बिट्टू संदीप केकड़ा का भाई है और उसकी गिरफ्तारी हरियाणा के डबवाली क्षेत्र से हुई है। जैसा कि पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी हासिल हुई है कि वो काफी दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस को शक था कि वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में है और प्रियव्रत फौजी, जो इसमें एक शूटर है जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की थी, उसके उस संपर्क में था। इस पर आरोप है कि इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले उसके घर की रेकी की थी। आपको बता दें कि संदीप केकड़ा उसका जो भाई है वो इन शूटर्स को मिनट बाई मिनट जो वो सूचना दे रहा था, उसने भी सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी और वह सिद्धू मूसेवाला का फैन बनकर उसके घर पर गया था, उसके साथ सेल्फियां भी खिंचवाई थी। तो अब ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। डबवाली से उसे अब मानसा कोर्ट लाया जा रहा है, जहां पर उसका रिमांड हासिल किया जाएगा। आपको बता दें कल ही पंजाब के डीजीपी ने जानकारी दी थी कि सिद्धू मूसेवाला मामले में 35 लोग वांछित है, जिनमें से 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दो को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है एनकाउंटर में, और 10 लोग अभी भी वांछित है, जिसमें कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बड़ार और दूसरे लोग शामिल हैं। मल्लिका, बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ होती जा रही है मंजीत, की साजिश बहुत गहरी है और कहीं ना कहीं अब जो नया एक एंगल सामने आ रहा है उसमें ISI से कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है, कि इस पर कोई जानकारी? देखिए मल्लिका, पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब में जितने भी गैंगस्टर्स हैं या फिर अपराधी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी है, ISI इनका जो गठजोड़ है उसका फायदा उठाना चाहती है और इसी गठजोड़ का फायदा उठाते हुए पंजाब में एक बार शांति भंग करने की जो कोशिशें हैं वो तेज हो गई है। ISI इस गठजोड़ के सहारे अब कुछ और जो शांति भंग करने की घटना उसको अंजाम दे सकती है, पुलिस के सूत्रों ने हमें बताया है। लेकिन जहां तक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में ISI और दूसरे आतंकवादियों का हाथ है वो फिलहाल सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस इस एंगल से भी सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड की जांच कर रही है। जी मंजीत, नजर आप बनाए रखिएगा।